हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय सुपर गेट्स। सीयूटी मतलब सुपर गेट्स। सो स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। जैसा कि बच्चे आपको बताए कि डेली 3 बजे आपकी क्लासेस होती हैं MWF में। मैं एक बार बता देता हूँ बच्चे किस तरीके से क्लासेस होती हैं। आपको रेगुलर अटेंड करना है और आप रेगुलर अटेंड कर भी रहे हो, सो बहुत मजा आ रहा है, राइट? सो MWF की क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। जो MWF में जो क्लासेस होती है बच्चे, वो LR की क्लासेस होती है जो आपके निखिल सर लेते हैं, राइट? ठीक है, निखिल सर आप सभी के फेवरेट, वो क्लासेस लेते हैं। इसके बाद बच्चे TTS में क्लासेस होती जो मैं लेता हूँ, राइट? TTS में क्वांट की आपकी क्लास चलती, QT की क्लास चलती, ओके? सो डेली आपको क्या करना है, डेली आपको 3 बजे की अलार्म सेट करना है और 3 बजे ना सुपर गेट चैनल पर आना है और अपनी क्लास को करना है। इससे बहुत इंप्रूवमेंट आपकी होगी। साथ ही साथ बच्चे 4 बजे भी क्लासेस होती है, हमारी डेली क्लासेस होती है 4 बजे। जो GK की क्लास होती है, मयूर सर आपकी क्लास लेते हैं। सो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे 2 वीडियोस नहीं देखे, बिकॉज ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बच्चे थर्ड क्लास है, ऑलरेडी हम 2 क्लास कवर कर चुके हैं। अगर आपने देखी है, सबसे पहले बच्चे कोशिश किया करें कि आप क्लासेस को लाइव ही देखा करें, बिकॉज अगर आप छोड़ते चले जाओगे ना तो बैकलॉग बहुत सारे हो जाएंगे, फिर कवर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सो इस टाइप की कोई भी दिक्कत ना आए, इसके लिए आपको क्लासेस को लाइव ही देखना है, बिकॉज लाइव देखने का मजा ही कुछ और है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं सेशन। अगर नहीं देखा तो वो देख लेना, तब आपको समझ आएगा। बिकॉज जो हमारी जो क्लासेस होगी ना बच्चे, वो ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी पढ़ा दिया, राइट? सारी क्लास में एक दूसरे से लिंक रहेगी। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के साथ कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन के साथ ही साथ जो PYQs मतलब 2022 के पेपर में क्वेश्चन आए थे, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ क्या और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप देखोगे लास्ट तक आते आते ना बच्चे, हम सब कुछ पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर चुके होंगे, राइट? और सो स्टार्ट करते हैं सेशन, बहुत मजा आने वाला है, राइट? चलिए ठीक है, सारे बच्चे जुड़ जाओ और सेशन को लाइक जरूर करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ठीक है? और भी बच्चों को आपको बताना है जो आपके साथ पढ़े कि चैनल को सब्सक्राइब, इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बहुत बेनिफिट होगा उनके लिए भी, राइट? सो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। इस टाइप से हमने कुछ डिस्कशन किया था, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था बट किसी ने उसका आंसर दिया नहीं, बहुत दुख की बात है, राइट? क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे, 9 से स्टार्ट करना है। सो बहुत बेसिक क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं देखो, बताओ कि आंसर होने चाहिए 9 का, होमवर्क में दिया था। किसी बच्चे ने अगर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया है तो मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या था। सारे बच्चे कमेंट में छाप दो एक बार कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर क्या था, मजा आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देख के। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ABC, ABC में आपने डिवाइड करा है सम को, किस रेशियो में डिवाइड करा है, 2, 3, 7 के रेशियो में डिवाइड करा। दैट मीन्स कि अगर A को 2 रुपीज मिला है सो B को 3 और C को मिल गया 7। अब 7 ऐसे बताना पड़ेगा, 2, 3, 7 का रेशियो है। If the share of B is 15,000, B का share given है, right? और किसका पूछा है? Then what will be the difference in the share of B and C? B and C के share के बीच में difference पूछा है। हमने क्या सीखा था बच्चे? एक amount question में पक्का given होगा और मैंने आपको सिखाया जो जिसकी वैल्यू है आप उसको उससे डिवाइड कर दो, और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी आप उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्या गिवन है बच्चे अमाउंट? आपका अमाउंट गिवन है 15,000, राइट? 15,000 गिवन है, आपने लिख दिया 15,000, बहुत ही बढ़िया। 15,000 बेसिक मैं बता चुका हूँ, वो मैं नहीं बता रहा। अब डायरेक्ट करने वाले अप्रोच भी सीखो, हमेशा बेसिक में ही नहीं उलझे रहना। 15,000 किसकी वैल्यू, उसे डिवाइड करना है, बी की वैल्यू है सर। आप क्या कहोगे, 15,000 बी की वैल्यू है और बी कितना है, 3। तो आपने डिवाइड कर दिया जी 3 से, 15,000 3 की वैल्यू हो गई। जो जिसकी वैल्यू हो गई उसको आपने उससे डिवाइड कर दिया। अब जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है जी? मल्टीप्लाई करने की क्या फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी का डिफरेंस कितना है, बी को 3 मिला है, सी को मिला है 7। इनका डिफरेंस कितना है, 4 है, राइट? इनका डिफरेंस कितना है बच्चे, 4 है। दैट मींस कि आपको 4 की वैल्यू निकालनी है, बहुत बढ़िया। सो आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से बच्चे, सॉल्व करोगे क्या आंसर आएगा बताओ। आप 3 से कैंसिल कर दोगे, 3 5 15, 5,000 और 5,000 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर 20,000, ऑप्शन ए। सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया। इसी टाइप से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप चाहो बी से अप्रोच कर लो, 5, 2x, 3x, 7x मान लो, जो तरीका आपको करना है। आंसर जो है उस क्वेश्चन का 20,000 ही आने वाला था। अब बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ओके? नहीं, होमवर्क था क्वेश्चन वैसे भी, राइट? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मैं प्रोडक्ट वाला स्पेशली बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट वाला जब भी नंबर आ जाए ना तो आप नंबर को एक्स अज्यूम कर लो। क्यों, मैं इसके पीछे का रीजन बता दूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे बताओ आंसर क्या आने वाला है इसका, राइट? और थोड़ी सी गलती हो सकती है, स्लिम मिस्टेक के चांसेस हैं,
जब भी नंबर का आप प्रोडक्ट करो, देखिए मैं क्या करूं, नंबर का जब आप प्रोडक्ट करो, चाहे टू नंबर्स का प्रोडक्ट हो या थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट हो, या फिर आप नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो रेशो में, या नंबर का आप क्यूब करो, तो नंबर को मेरी मान लेना, आप नंबर को एक्स के साथ एज्यूम कर लेना, बी से का प्रोसेस। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम जो मिस्टेक है उसकी चांसेस क्या है, सो मैं नहीं चाहता कि आप वो मिस्टेक करें। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 240, टू पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट 240 है। इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 3:5, रेशियो जो है टू नंबर्स का वो कितना है, 3:5 है। दैट मींस कि अगर आपका फर्स्ट नंबर 3 है तो सेकंड नंबर कितना है, 5 है। आपसे पूछा है द सम ऑफ द टू नंबर्स, सम पूछा है नंबर का, आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को आप एज्यूम कर लो 3x, राइट, फर्स्ट नंबर को एज्यूम कर लिया आपने 3x, सेकंड नंबर को आप एज्यूम कर लो 5x। ओके, लेट फर्स्ट नंबर इज 3x एंड सेकंड नंबर इज 5x, 3 और 5 का रेशियो है, सो 3x एंड 5x आपने नंबर को आपने एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट नंबर 3x है और सेकंड नंबर क्या है, 5x है। इनका प्रोडक्ट बचे, इनका प्रोडक्ट, सो इनका प्रोडक्ट आप कर दो, फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट 3x और सेकंड नंबर हो गया 5x, इनका आपने कर दिया प्रोडक्ट, बढ़िया है जी, 3x × 5x। इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है, 240 इक्वल टू 240। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन टू नंबर्स का प्रोडक्ट बच्चे 240 है, 3x × 5x इक्वल टू कितना है, 240 हो गया, राइट। अब आगे सॉल्व करेंगे बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करो क्या आ जाएगा, देखो 3 × 5 कितना बनेगा, 15, आपने कहा 15 बन जाएगा, बट यहाँ ये देखो ध्यान से बच्चे, x और x क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, सो बन गया 15 × x² = 240। ओके जी, बढ़िया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से 1 टाइम्स और 9 बच जाएगा, 15 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 16 टाइम्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। जब अगर आपने इसको एक्स जूम नहीं करा होगा तो आपकी बच्ची 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ रही होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्ची, वहां 1 यूनिट की वैल्यू 16 नहीं आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आएगी, बिकॉज जब आप टू नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे ना तो स्क्वायर वाली टर्म्स बनती है। दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको नंबर का प्रोडक्ट हो या टू नंबर्स का आप स्क्वायर कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, तो आप ना बेसिक अप्रोच को फॉलो करना, आप नंबर को एक्स के साथ एज्यूम कर लेना, नंबर को आपने एक्स के साथ एज्यूम करा, दैट मीन्स कि आपने बोला एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है, सो एक्स इक्वल टू बन जाएगा √16, और √16 कितना होता है, 4 होता है, दैट मीन्स कि एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 4 आ गया, एक्स की वैल्यू 4 आ गई है। अब यहां से आप नंबर बता सकते हो, फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर है 3x, फर्स्ट नंबर 3x, दैट मींस कि 3 × x की वैल्यू 4, 3 × 4 कितना बन गया, 12, सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर है 5x, 5 × 4 सेकंड नंबर बन गया 20, इनका सम पूछा है 12 + 20 कितना, 32, सो 32 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी सारे बच्चों, जिनका भी आंसर है 32 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये बात आपको समझ आ गई, याद रखना बच्चे यहाँ मिस्टेक होती है, बिकॉज हम क्या करते हैं ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लेते हैं, 3 × 5 = 15, ओके इक्वल टू 240, सो वहां से 1 की वैल्यू 16 आ जाती, जो कि गलत हो जाएगा, राइट। जब भी प्रोडक्ट करने वाली बात आ जाए ना, सो आप नंबर को क्या एज्यूम कर लेना, एक्स के साथ एज्यूम कर लेना, 3x और 5x, सो ये कितना बनेगा 15, और एक्स का मल्टीप्लाई करके बनेगा एक्स स्क्वायर, सो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही होगा, इसका आंसर 32, सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था, समझ आ गई बात, प्रोडक्ट वाले में याद रखोगे, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, बाकी सब मैं आप डायरेक्ट कर सकते हो, जो जिसकी वैल्यू उसको उससे डिवाइड कर देना, चाहो तो मैं ये छोड़ सकता हूँ ना क्वेश्चन, मैं नहीं बताता, डिवाइड करने वाले वही अप्रोच से कराते रहता, बट मुझे पता है ना कि मेरे बच्चे कहाँ जाके फंसेंगे, सो बिल्कुल फंसने नहीं दूंगा, राइट। जब भी प्रोडक्ट वाला आ जाए आप बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है, समझ आ गई बात, आगे बढ़ जाए, कोई भी क्वेश्चन जो है आपकी बुक्स, जो भी आपके पास बुक्स है आप सॉल्व करिएगा उसे, कोई भी क्वेश्चन जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नहीं छूटेगा, पूरी क्लास जब रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाए आप सॉल्व करिएगा, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, सीयूटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि आ सकता है, हर एक टाइप के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, बहुत बेनिफिट होगा इन क्लासेस से आपको। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 6:7, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 6:7, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज 3:89, टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो भी दिया हुआ है। अब चाहे आपसे पूछे बॉयज की वैल्यू बता दो कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, क्या आप इसका आंसर नहीं बता सकते, बताओ मुझे, बहुत इजीली इसका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, वही गाना आपको याद रख, बस गाना एक ही याद रखना है, इसे जो जिसकी वैल्यू होगी आप उसको उससे डिवाइड करोगे, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो गर्ल्स वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बॉयज की करनी सो बॉयज से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वैल्यू दे रखी टोटल से डिवाइड करेंगे, जिसकी वैल्यू दे रखी होगी उससे डिवाइड कर दो। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पहले तो लिखूंगा मैं 6:7,
बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 6:7। बॉयज का मतलब होता है लड़के, और जो अपने बाप से लड़के कुछ भी ले लेना उन्हें हम कहते हैं लड़के, राइट। सो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है, 6:7। सो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट 6 + 7, आपने बोला टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 13। बॉयज और गर्ल्स मिलाकर टोटल स्टूडेंट हो गए 13 हो गए। टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे, 3289। यस, टोटल स्टूडेंट गिवन है 3289। 3289 कितने की वैल्यू, सो आपने कह दिया सर 3289 ना टोटल है, सो टोटल को टोटल से डिवाइड कर दो। 3289 13 की वैल्यू है, आपने उसे डिवाइड कर दिया। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी उससे बच्चे कर दोगे आप मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है कितनी है, 7 है। सो आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 धोनी वाले 7 के साथ, सो यहां से आ जाएगी गर्ल्स की वैल्यू। ओके, 13 की टेबल आती है क्या आपको, बताओ, पढ़ लेंगे धीरे धीरे, दे कोई दिक्कत नहीं। 13 से 2 टाइम्स 26, 6 बच जाएगा। ओके, 13 से 4 टाइम्स 52, 13 से 5 टाइम्स हो जाएगा ना 65, या 65 बन जाएगा, 3 बच जाएगा 39, सो 13 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, दैट मीन्स के बन गया 253 मल्टीप्लाई बाय 7। 253 मल्टीप्लाई बाय 7, अब देखो पूरा सॉल्व नहीं करना बच्चे आपको क्वेश्चन को, 253 है, सॉरी 253 मल्टीप्लाई बाय 7। आप मुझे बताओ आप इस 7 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखना बच्चे, ये 3 की मल्टीप्लाई होगी 7 के साथ, 3 7 जा कितना बनेगा, 21 बनेगा। 21 बनेगा मतलब जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा हमारा, जो भी फाइनल आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा क्या, बताओ। आपने देखा इस नंबर का यूनिट डिजिट है 3, इस नंबर के यूनिट डिजिट क्या है, 7। सो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 21 आएगा। जब इस नंबर का आप प्रोडक्ट करोगे बच्ची, यूनिट डिजिट आएगा 21, 1 आ जाएगी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 1 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो क्या इस क्वेश्चन को हमने पूरा सॉल्व भी नहीं करा, कैलकुलेशन भी पूरी सॉल्व नहीं करी, और इस बहुत जल्दी हमने इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया, समझ आ गई बात। ये थोड़ा सा ना अपना ब्रेन खुला रखना आप एग्जाम में, यार सर एग्जाम में ना ऑप्शन कैसे दिए हम, राइट, ऑप्शन कैसे दिए कि क्वेश्चन में आपको पूरे हर एक ऑप्शन सॉल्व करना है। जैसे अगर सारे ऑप्शन सेम हो जाते मतलब यूनिट डिजिट सबका सेम होता तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ता। मैं वो अप्रोच ही बताऊंगा जब दो ऑप्शन सेम हो जाए तो लास्ट के 2 डिजिट कैसे फाइंड करना है, वो भी हम उन पे भी हम बात करेंगे, राइट। फिलहाल आई होप आप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। मुझसे पहले आप सभी ने आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया। बढ़ जाते हैं बच्चे नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखें ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। असम ऑफ ₹9400, सेम टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। सबसे पहले क्या करोगे, असम ऑफ ₹9400 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड बी इज 4:3। ए एंड बी का रेशियो है 4:3 और बी और सी का रेशियो 5:4। सो क्या क्विकली आप ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हो, हमने रेशियो को मर्ज करने की कितनी बेहतरीन टेक्निक सीखी थी, अगर आपने नहीं देखा है बच्चे तो फर्स्ट क्लास जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आप चैनल पर जाके देख सकते हो, राइट, कि फर्स्ट क्लासेस में हमने सीखा था कि रेशियो को हम कैसे मर्ज करते हैं बहुत जल्दी, राइट। सो बेसिक अप्रोच भी हमने सीखी थी, जल्दी से अल्ट्रा प्रो मेथड भी सीखी थी, क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करना है। सो इसमें फिर से मैं बता देता हूं, अगर आपने किया हुआ है तो जस्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। ए एंड बी का रेशियो 4:3 का, ए एंड बी का रेशियो है 4:3 का बच्चे, बी और सी का क्या रेशियो है 5:4 का, बी एंड सी का रेशियो हो गया 5:4 का। बच्चे ए बी सी का रेशियो निकालना है आपको, ए बी सी का रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी के वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, ए की वैल्यू निकालनी सो 5 × 4 20, बी के वैल्यू निकालनी बच्चे 5 × 3 15, और सी के वैल्यू निकालनी 3 × 4 कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, 20 15 एंड 12, ए की वैल्यू आ गई 20, बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू क्या आ गई है 12 आ गई। ये तो रेशियो मिल गया आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट दे रखा है 9400। 9400 मैंने क्या सिखाया आपको कि जो जिसकी वैल्यू होती आप उसको उससे डिवाइड कर दो, जो जिसकी वैल्यू है आप उसको उससे डिवाइड कर दो, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी आप उससे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। किसकी वैल्यू निकालने को कह रहा है, सी का शेयर बोला है सो सी से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। सो देख लेते हैं बच्चे टोटल अमाउंट कितना, टोटल अमाउंट के लिए इनको ऐड कर दो, 5 + 2 आ जाएगा 7 112, सो कितना बन गया 447। ओके, टोटल शेयर आ रहा है 47, क्वेश्चन में दे रखा है 9400, क्वेश्चन में कितना दे रखा है टोटल शेयर 9400, दैट मींस कि 9400 47 की वैल्यू है, 9470 की वैल्यू है,
तो जो जिसकी वैल्यू होगी आप उसको उससे डिवाइड करोगे बच्चे, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उससे मल्टीप्लाई करिए। अगर आपसे पूछा होता ए का शेयर बताओ, आप मल्टीप्लाई करते 20 से। आपसे पूछा होता बी का शेयर बताओ, आप मल्टीप्लाई करते 15 से। अगर आपसे पूछा है और पूछा भी है सी का शेयर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, बोल दो है ना, बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है आपको। सो सी के लिए मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 12 के साथ। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है इसके साथ, बहुत कॉन्फिडेंस है मैं बोल रहा हूँ कि आपको हर एक चीज समझ आ रही होगी, बिकॉज मैंने फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट लिया, सेकंड में कॉन्सेप्ट लिया। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब आपसे हर एक क्वेश्चन बन रहा होगा और बहुत मजबूती से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर रहोगे। ओके 47, आपको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज मुझे तो हो ही गया कि आपसे हर एक सवाल अब बनने लगा है। 47 से बच्चे कैंसिल होगा 200 टाइम्स, 12 का 200 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 2 बनेगा 24, 24 और 00, 24 00 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। सो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मैं इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हूँ। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। बताओ एक बार, सबको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? ए बी का अलग अलग रेशियो था, बी और सी का अलग अलग रेशियो था, आपको मर्ज करना था। मर्ज करने की पहली जो कॉमन टेक्निक थी वो क्या थी, उनके बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए था, तो कॉमन बी मिल गया। फिर ए सबसे पहले यहाँ देखा, डायरेक्ट नीचे आ गए, बी यहाँ है, फिर इधर है, तो टर्न लिया, सी का ही नहीं था बट ऊपर से आना था। ए बी सी टोटल वैल्यू 47, क्वेश्चन में 9400, जो जिसकी वैल्यू उसको उसे डिवाइड करना है, 9400 47 की वैल्यू है, डिवाइड कर दिया, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी मल्टीप्लाई करेंगे। सी का शेयर निकालना है सो 12 से मल्टीप्लाई, बी का निकालना होता हमारे बच्चे मल्टीप्लाई कर देते 15 से, ए का शेयर निकालना होता मल्टीप्लाई कर देते 20 से, और आंसर आप सभी को मिल गया 2400। सी का शेयर जो है वो 2400। बताओ बात समझ आ रही सभी को, क्वेश्चन नंबर 12 राइट, ठीक ठाक लग रहा है, आगे बढ़ जाए। ओके सो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ी सी मैं आपको एक थ्योरी वाला पार्ट बता देता हूँ, पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए कैसे क्वेश्चन आ सकता है इन पे हम बात करेंगे राइट। पहले बता देता हूँ बच्चे मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। सबसे पहले मीन का मतलब समझो, मीन क्या होता है, मीन का मतलब आप बताओ आपके अकॉर्डिंग मीन का मतलब क्या होता है। मीन मतलब मिडिल वैल्यू होती, नहीं होती, मीन का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू, जो वैल्यू बीच में होती है उसको आप क्या बोलते हो, तो मीन होती है। सो मीन प्रोपोर्शन में आपसे क्या करने वाला है बच्चे, प्रोपोर्शन का मतलब पता है, फर्स्ट क्लास में बताया था, प्रोपोर्शन मतलब होता है जब टू रेशो, व्हेन टू रेशोस आर इक्वल, जब दो रेशो इक्वल हो जाते सो दैट वी कैन से कि नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन। जब दो रेशो इक्वल हो जाते सो हम कह देते हैं वो नंबर कैसे हो जाएंगे, सेम प्रोपोर्शन होंगे। अब आपसे पूछेगा या तो मीन प्रोपोर्शन पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन होगा थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा सर आप फोर्थ प्रोपोर्शन किसी नंबर का कैसे निकालना है, वो जरा हम सीख लेते हैं। एक एक करके वन बाय वन चीजों को सीखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन में आपसे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा पहले वो सीखो। मीन प्रोपोर्शन में आपको ना कोई दो वैल्यू दे देगा ए और बी राइट, आपसे बोलेगा ए और बी की, ए और बी की जगह कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, आपसे बोलेगा कि सर ए और बी का मीन प्रोपोर्शन बता दो क्या होगा राइट। क्या पूछेगा, ए और बी का मीन प्रोपोर्शन बता दीजिए क्या होगा। हमने कह दिया ए और बी का मीन प्रोपोर्शन एज्यूम कर लिया कि एक्स है, मीन प्रोपोर्शन क्या एज्यूम कर लिया बच्चे, एक्स है। मीन का मतलब क्या था सर, आपने बोला मीन का मतलब मिडिल में होना चाहिए, दैट मीन्स कि जो एक्स है आपका, जो मीन है, जो एक्स है वो मीन है, वो ए और बी के मिडिल में होना चाहिए था, हाँ है ना। बताओ मीन मतलब होता है बच्चे, मीन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। सो आप एक्स को ना ए और बी के मिडिल में रख दो राइट। स्कूल में आपने पढ़ा हो कहीं ना कहीं, अगर थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में कहीं ना कहीं से याद आ रहा हो आपको, तो एक बार याद करने की कोशिश करिएगा। ए और बी का मीन मैंने कह दिया एक्स है, और मीन है मतलब एक्स में रखना है, बीच में रखना है एक्स को, तो बीच में रख दो एक्स को। तो आपने ए का एक्स के साथ रेशियो बना दिया, और प्रोपोर्शन के लिए आपने प्रोपोर्शन साइन लगा दिया, वही सेम रेशियो एक्स का बना दिया आपने बी के साथ। देखो एक्स बीच में आ गया, बीच में हमें रखना था। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय भी लिख सकते हो इसको, आप लिख सकते हो क्या, ए डिवाइड बाय एक्स। ओके प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, से इक्वल का साइन लगा दिया, इसको आप लिख सकते हो एक्स डिवाइड बाय बी। बताओ क्या तक बात समझ आ गई, एक्स को आपने मिडिल में रख दिया, इसके बाद इस नंबर की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और ए का बी में मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा ए बी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी है बच्चे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू बन जाएगा रूट ए बी, एक्स इक्वल टू बन गया आपका रूट ए बी। बताओ क्या ये बात भी आपके दिल में उतर पाए, एक्स इक्वल टू क्या हो गया रूट ए बी। दैट मीन्स कि हमसे बच्चे कभी भी पूछेगा कि मीन प्रोपोर्शन बता दो टू नंबर्स का, कोई भी टू नंबर्स देखिए आपसे पूछेगा कि सर इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो क्या करना है आपको, उन टू नंबर्स का प्रोडक्ट करना है,
उन टू नंबर्स का प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट करने के साथ ही साथ आप उस नंबर का स्क्वायर रूट कर दोगे। नंबर का प्रोडक्ट और उनका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा आपका? मीन प्रोपोर्शन। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई। देखिए, नंबर का प्रोडक्ट कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, क्या आ गया आपका? मीन प्रोपोर्शन। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई। ये तो हो गया मीन प्रोपोर्शन। अब ध्यान समझिए, अगर आप ये थ्योरी याद रखो ना रखो, डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना। राइट, डायरेक्ट रिजल्ट तो याद रखनी पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा, तब और चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, इसके बाद बात करते हैं सर थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में भी क्या करने वाला है? थर्ड प्रोपोर्शन में भी आपको दो वैल्यू देगा, तीसरी वाली पूछी जाएगी। तो मैंने कह दिया भाई, थर्ड वाली प्रोपोर्शन ए बी के वैल्यू दे दी और एक्स को हमने मान लिया, एक्स हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। एक्स हमारा क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शन। अब आपने कहा अब एक्स को बीच में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आपने फिर से एक्स को बीच में रख दिया फिर तो वो मीन प्रोपोर्शन ही हो गया। अब ऐसा करते हैं, अब की बार ना बी को बीच में रख देते हैं। बी को बीच में रख दिया आपने, तो आपने बना दिया सर ए का बी के साथ जो रेशो है वही सेम रेशो बी का आपने बना दिया एक्स के साथ। बढ़िया जी, ए को डिवाइड करोगे आप बी के साथ, तो ये बन जाएगा ए बाई बी इक्वल टू, ये बन जाएगा बी बाय एक्स। मेरे बच्चे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? बी का बी में मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। सो दैट मीन्स कि कब जब कभी भी हमसे पूछेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन बता दो, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, आप क्या करोगे? सेकंड नंबर का स्क्वायर करोगे, जो भी सेकंड नंबर होगा वो सेकंड नंबर का आप स्क्वायर करेंगे, वो फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड करोगे। सेकंड नंबर का स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, वो आपका बन जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। फिर से देखो, मीन प्रोपोर्शन में क्या करना है? जो दो वैल्यू होंगी उन टू वैल्यूज का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट, मीन प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, सेकंड नंबर का स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे। अभी मैं एग्जांपल से एक एक बात आपके दिल में उतारूंगा, डोंट वरी गाइस। फोर्थ वाला देखने, फोर्थ प्रोपोर्शन और देखना है। फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या करेगा आपको ना, ऑलरेडी थ्री वैल्यूज देगा ए बी सी। ए बी सी पहले से तीन वैल्यू दे देगा, ए बी सी वैल्यू देने के बाद आपसे पूछेगा इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। आप एज्यूम कर लो कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स है। अब आप कहेंगे सर ऑलरेडी चार वैल्यू हमारे पास है, तो बीच में किसी को रखने का कोई स्कोप ही नहीं है। जब दिल में जगह ही ना हो तो कैसे किसी को रख पाओगे? तो कोई जगह ही नहीं दिल में अब रखने की। तो आपने सबको एक साथ रख दो, लाइन से मिला के, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे, एक आने दो, दूसरी, तीसरी, चौथी। राइट, सो लाइन में आने दो। सो लाइन में आने दिया आपने, आप बोल देंगे सर ए का बी के साथ जो रेशो होगा वही सेम रेशो सी का एक्स के साथ होगा। यहां से बनेगा बच्चे ए अपॉन बी, प्रोपोर्शन हटेगा तो इक्वल आता है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। और ये बन गया सी अपॉन एक्स। मेरे बच्चे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स इधर जाएगा, बी का सी में मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड हो जाएगा ए के साथ। दैट मीन्स कि एक्स इक्वल टू बन गया बी इंटू सी डिवाइडेड बाय ए, बी इंटू सी डिवाइडेड बाय ए। सो जब कभी बच्चे आपसे पूछता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करोगे आप? सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे फर्स्ट के साथ। सेकंड थर्ड का प्रोडक्ट डिवाइड कर दोगे आप फर्स्ट के साथ, सो आपका आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। फिर से सारी बातों को समराइज करता हूं, मेन प्रोपोर्शन निकालना है दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। यहां देखो बच्चे, और कहीं नहीं, मेरी आंखों में देखो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, सो सेकंड नंबर के स्क्वायर करना है, फर्स्ट वाले से डिवाइड करना है। और अगर पूछा जाए फोर्थ प्रोपोर्शन, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट करना है, फर्स्ट वाले से डिवाइड करना है। एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो लगे तो। बताओ, क्लियर है सभी को बात? समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? सुपर गेट्स के साथ मजा ही आने वाला है आपको, बिकॉज रेगुलर सेशंस हैं हमारे, है ना? बैक टू बैक सेशन हमारे लग रहे, डेली सेशन मंडे टू सैटरडे बिल्कुल फिक्स है, पूरा स्लॉट ना, कहीं नहीं जाना आपको। 3 बजे ना यहाँ डेली आना है, चाहे एलआर हो, चाहे अकाउंट की क्लास हो, जीके की क्लास हो, सब कुछ क्लासेस हैं यहाँ पर। राइट, अब बढ़ जाते आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जब तक आप रेगुलर रहोगे बहुत मजा आएगा। राइट, लाइव देख के ना तो दिल खुश हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द मेन प्रोपोर्शन बिटवीन 25 एंड 64। क्या बताया था बच्चे बताओ? मेन प्रोपोर्शन मतलब क्या बताया था? जो भी नंबर्स होंगे आप उनका प्रोडक्ट करोगे और प्रोडक्ट करने के बाद स्क्वायर रूट। बताओ आंसर क्या होगा? आपके सामने क्वेश्चन है और जो इसका जो बेसिक था मैं बता चुका हूँ।
अब आंसर जो है, आंसर करने की जिम्मेदारी आपकी है। कमेंट में छाप दो भाई इसका आंसर क्या रहने वाला है। आपसे पूछा है 25 और 64 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, आपने कह दिया सर इनका ना मीन प्रोपोर्शन जब भी निकालना है सो दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दो। 25 × 64 इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट करना है। मैंने बोला ऐसे करेंगे यार 25 का 64 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। आप 25 का स्क्वायर रूट करो, 25 का कितना होता है 5 और 64 किसका होता है 8 का होता है, सो 5 × 8 आंसर शुड बी 40। 40 का है ऑप्शन सी इसका आंसर था। बताओ कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मीन प्रोपोर्शन पूछा था आपने, दोनों नंबर का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने के बाद स्क्वायर रूट कर दिया। प्रोडक्ट करने के लिए ऐसा नहीं करा कि आपने नंबर को मल्टीप्लाई करा फिर स्क्वायर रूट निकाला, ना जी ना, ऐसे नहीं करना। आप अलग अलग कर लो, 25 5 का होता है और 64 8 का होता है। 5 × 8 आंसर कितना आ गया 40। बस इतनी देर का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन में लगना भी नहीं था चाहिए था, लगा रहे तो सिर्फ आप गुनाह ही कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे। आई बढ़ते अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है क्वेश्चन 13 समझ आ गया होगा। 14 का आंसर बताओ, चलो आंसर क्या होगा, कहाँ गया थर्ड, हाँ 13 पूछा है। हाँ एक सेकेंड, कुछ यहाँ मिस्टेक है, एक सेकेंड, कुछ कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। थर्ड प्रपोजिशन में कोई दो वैल्यू देना था, आई थिंक कुछ मिस्टेक होगी क्वेश्चन में, चलो चेक कर लेते। कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 हटा देते हैं, 15 और 24 का निकाल के देखते हैं शायद मैच कर जाए, शायद कुछ वैल्यूज मिसिंग है, कुछ गड़बड़ है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है ऑप्शन इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं बी। सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स कि 24 का स्क्वायर 24 × 24 डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है 4, डिवाइड कर, सॉरी फर्स्ट नंबर 15, फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दिया। ओके ठीक है चलो सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। तो सॉल्व करेंगे, सो आपने बोला 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 3 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, 24 × 8 ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है कुछ मिस्टेक है। ओके कुछ गड़बड़ हो गई, चलो ठीक है कोई बात, कोई बात नहीं ना, कॉन्सेप्ट तो यही था ना कि आप सेकंड नंबर का स्क्वायर करोगे फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो, कोई बात नहीं 14 रॉन्ग है तो 15 तो सही होगा, सारे क्वेश्चन गलत थोड़ी हो सकते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 14 21 एंड 28, आप बताओ इनका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। बच्चे जब कभी भी आपको नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है आप क्या करोगे, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले से डिवाइड करना है। बच्चे सेकेंड नंबर कितना है, सेकेंड नंबर है 21, थर्ड नंबर है 28, इनका प्रोडक्ट कर दिया, सेकेंड और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट करना है, फर्स्ट वाले से डिवाइड करना है, और फर्स्ट वाला नंबर कितना है 14 है। बढ़िया जी, 14 का डबल नहीं है 28, 14 का डबल है 28, 21 × 2 आंसर कितना आ जाएगा 42, 42 का है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया 15 का। बताओ समझ आ रही बात, थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है सो सेकेंड नंबर का स्क्वायर फर्स्ट से डिवाइड, और फोर्थ पूछेगा तो सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट और फर्स्ट वाले से डिवाइड, और मीन पूछेगा तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट। बस इतनी सी बात याद रखनी और आपका हर एक सवाल जो है बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जीवन बहुत सुकून से गुजरेगा। 16 का आंसर बताओ क्या होगा बच्चे, 16 का आंसर कौन बच्चा बताएगा। डिफरेंस बिटवीन मीन प्रोपोर्शन टू 9 8 16 एंड 4 एंड 9, आपको 9 16 का मीन प्रोपोर्शन और 4 एंड 9 के मीन प्रोपोर्शन का बताना है डिफरेंस। दैट मींस कि आप 9 और 16 का निकालो मीन प्रोपोर्शन, साथ ही साथ आप 4 एंड 9 का निकालिए मीन प्रोपोर्शन, और इनका चाहिए आपको डिफरेंस। बता सकते हो कितना होगा आंसर, बताओ चलो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, सो मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट, सो इसका आप बोल देंगे सर 9 × 16। सेकेंड वाले का निकालना है, आपने बोला प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट 4 × 9, ओके सो 9 से कितना जाएगा 3 और 16 से कितना जाएगा 4, 3 × 4 12 आ गया इसका मीन प्रोपोर्शन। तो सेकंड वाले का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, आपने कहा 4 से 2 बार आ जाएगा और 9 से 3 बार आ जाएगा, 2 3 से कितना हो गया 6 हो गया। फर्स्ट वाले का मीन प्रोपोर्शन दैट मीन्स कि 9 एंड 16 का मीन प्रोपोर्शन आ रहा है 12 और 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन आ रहा है 6, इनका डिफरेंस पूछा है, इनका डिफरेंस 12 − 6 आंसर कितना बन जाएगा 6, कहीं है क्या, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ कोई रोक नहीं सकता, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो हमारा जो, देखिए क्वांट में क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है
राइट, तो एक्यूरेसी 100% एक बताओ, अगर ऑप्शन में आपने सॉल्व किया, ऑप्शन में मैच कर गया, तो दैट मींस कि आपका आंसर जो है 100% करेक्ट होगा। बट जीके में कुछ आपका हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है यार ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ अगर आपने सॉल्व कर दिया, आपको क्वेश्चन आता है, सॉल्व कर दिया आपने, दैट मीन्स कि आप 100% श्योर हो कि हाँ आपका आंसर आ गया है। तो यहाँ से जो अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट इसको कह सकते हैं, ये आपके वो सब्जेक्ट है जो आपको 100% ले जाने में आपका मदद करेगा, हेल्प करेगा। रीजनिंग में भी कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, बट क्वांट में अगर आपने बिल्कुल सही करा है, सही दिशा में आपने सॉल्यूशन ठीक से करा है, तो 100% नंबर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट। और मुझे पता है कि आप सभी जो है बिल्कुल 100% के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और बिल्कुल क्वांट में बच्चे हम बहुत 100% इसको लेके आएंगे, राइट। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 देखें क्या है सारा कर रहा है। पहले बेसिक अप्रोच भी बता देता हूँ, 17 की बेसिक अप्रोच क्या होगी, और फिर इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से बात कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 5:8। टू नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 5:8 का। आगे कह रहा है 5 इज एडेड टू ईच ए एंड बी, आपने ऐड कर दिया 5 ईच नंबर से, फर्स्ट नंबर भी 5 ऐड कर दिया, सेकंड नंबर भी 5 ऐड कर दिया। द रेशियो बिकम्स 2:3, रेशियो बन गया 2:3। आपसे पूछा है डिफरेंस क्या होगा इस नंबर का। मैं पहले इस क्वेश्चन को करने की बेसिक अप्रोच बता देता हूं जो आप स्कूल में सॉल्व करा करते थे, इसके बाद मैं जो अप्रोच बताऊंगा आगे आने वाले 4-5 सवालों में आपको उसी को फॉलो करना है, राइट। और ये वाली जो अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, अल्ट्रा प्रो मेथड वाली, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ अल्ट्रा प्रो वाली अप्रोच, वो हर एक टॉपिक में लगेगी। जब मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा वहां भी आपको यूज करोगे, बहुत सारे टॉपिक्स में लगेगी। सबसे पहले बेसिक अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। टू नंबर्स का रेशियो है 5:8 का, ओके 5:8 का रेशियो है बच्चे टू नंबर्स के बीच में। सो कैन आई से फर्स्ट नंबर 5x, बोल सकते हैं कि आपका सर फर्स्ट नंबर 5x है और सेकंड नंबर आपने बोल दिया 8x है। बताओ बोली जा सकती बात, क्योंकि नंबर्स के बीच में रेशियो है 5:8 का, नंबर्स के बीच में रेशियो 5:8 का है, दैट मींस कि फर्स्ट नंबर आपका 5x हुआ, सो सेकंड नंबर आपका बन जाएगा 8x। ठीक है चलो बढ़िया है, ओके। सो नंबर हुआ 5x और नंबर आपका बन गया 8x बन गया। अब क्या कर रहे हो आप, फर्स्ट नंबर में भी 5 ऐड करो, 5 एडेड टू ईच, मतलब आप दोनों नंबर में 5 ऐड करो। तो भाई नंबर 5x था, अगर आप 5 ऐड कर दोगे तो नंबर कितना बन जाएगा, 5x+5। बोलो हाँ है ना, समझ आ रही बात। नंबर 5x है बच्चे, अगर आप 5 ऐड कर दोगे सो नंबर कितना बन जाएगा, 5x+5। सेकंड नंबर में भी आपने 5 ऐड करा, सेकंड नंबर 8x है, अगर आप 5 ऐड कर दोगे सो नंबर बन जाएगा 8x+5। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा 5 ऐड करने के बाद नया नंबर जो है उसका रेशियो क्या बनना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ए 5 इज एडेड टू ईच ऑफ ए एंड बी, अगर आप दोनों में 5 ऐड कर देते हैं देन द रेशियो बिकम्स 2:3। जो रेशियो बनना है वो बनना है 2:3 का, दैट मींस कि इक्वल टू हो गया 2:3। बताओ क्या ये बात क्लियर है, रेशियो कितने का बन गया, 2:3 का बन गया। इसके बाद आप इस नंबर का क्रॉस में मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 15x, और 3 × 5 ये कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा, इक्वल टू 2 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 16x, और 2 × 5 कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ये बढ़िया था। इसके बाद x वाली टर्म को एक तरफ रख दो, 16x-15x, x वाली टर्म्स को एक तरफ रखना है, 16x-15x कितना बनेगा बच्चे, x न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरफ रखेंगे, 15-10 5। सो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, x इक्वल टू मिल गया है आपको 5। और अगर x की वैल्यू 5 है, आपने नंबर एज्यूम किए थे 5x और 8x, सो फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर है 5x, दैट मींस कि 5 × 5 25, सेकंड नंबर आपने एज्यूम करा 8x, दैट मींस कि 8 × 5 40, फर्स्ट नंबर है 25, सेकंड नंबर है 40। ध्यान से समझिएगा बच्चे, फर्स्ट नंबर है 25, सेकंड नंबर है आपका 40। इनका डिफरेंस पूछा है जनाब, इनका डिफरेंस पूछा है ना कि डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, इनका डिफरेंस 25-40, कितने का डिफरेंस है, 15 का, 15 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। बताओ क्या ये बात आपके समझ आ गई है, फिर से एक बार समझा देता हूँ, अगर नहीं समझ आई तो। नंबर्स का रेशियो था 5:8 का, नंबर्स का रेशियो 5:8 का है, तो आप बोल दोगे थोड़ा एनर्जेटिक रहा करो ना बच्चे, नंबर्स का रेशियो 5:8 का है, तो आपने बोल दिया सर 5x और 8x रेशियो बन गया, नंबर्स का रेशियो बन गया क्या 5x और 8x का। आप दोनों नंबर में 5 ऐड करो, फर्स्ट नंबर में भी 5 ऐड करा 5x+5, सेकंड नंबर में भी 5 ऐड करा 8x+5। 5 ऐड करने के बाद
रिजल्ट बन रहा है 2:3, रेशियो बन रहा है 2:3, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। इसके बाद आपने नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक्स की वैल्यू मिली, एक्स की वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स कि आपको वो नंबर्स मिल गए कि 25 और 40 है। आपसे पूछा था कि दोनों नंबर का डिफरेंस बता दो, आपने बड़े प्यार से इसका आंसर बता दिया कि सर इसका आंसर जो है वो 15 आ गया। बताओ क्लियर है सभी बच्चों के, इसका आंसर 15 जो है वो करेक्ट आंसर है। अब मैंने आपसे बोला था सर एक अप्रोच तो क्वेश्चन को सॉल्व करने ये होगी, अब इसके एक और अप्रोच मैं बताऊंगा जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में बेनिफिशियल साबित होगी आपके लिए, राइट। तो चलिए सेकंड अप्रोच के साथ मेथड वन, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, टेक योर टाइम प्लीज, देन फिर मैं आपको बताता हूँ मेथड नंबर टू, देख लो एक बार। चलो मेथड टू देखो बच्चे, मेथड टू में आपको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए यहां पर आप लिखो ए, दूसरा कलर लेते हैं, यहां पर आपने लिखा सर ए और यहां पर आपने लिख दिया बी, राइट। क्या रेशियो है 5:8 का, ओरिजिनल नंबर्स का रेशियो था 5:8 का, बाद में क्या रेशियो बना था वो वाला लिखो 2:3, रेशियो बिकम्स 2:3 आपने लिख दिया, राइट। पहले रेशियो था आपका कितने का 5:8 का, बाद में रेशियो बन गया 2:2, जो रेशियो है पहले आप उनको न्यूट करो, 5:8 का रेशियो बाद में कितने का रेशियो बन गया 2:3 का बन गया। आप बताओ यार कि 5:8 से रेशियो 2:3 कब बना, 5:8 तो था रेशियो बाद में रेशियो बन गया 2:3 का बन गया, सो 5:8 से रेशियो 2:3 कब बना, जब आपने दोनों नंबर में 5 ऐड कर दिया, दैट मींस कि फर्स्ट नंबर भी 5 ऐड करा, सेकंड नंबर भी 5 ऐड कर दिया, ठीक है। तो जितना ऐड करा उसको आप लिख दो यहां पर, जितना ऐड करा आपने लिख दिया यहां भी 5 लिख दिया, यहां भी 5 लिख दिया, जितना ऐड करे आपने लिख दिया। इसके बाद क्या करना है आप ध्यान से सुनो, इसके बाद आपको नंबर का क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। क्या कहा बच्चे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। नहीं आई बात समझ में, मैं बताता हूं, नंबर्स का क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस करना है, क्रॉस यही होता है ना, ऐसे लग जाता है ना क्रॉस, तो ये क्रॉस हो गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस लेना। मैं आपको समझा, डिफरेंस पॉजिटिव लेना है निगेटिव नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो 8 का 2 में मल्टीप्लाई करो, देखो क्रॉस 8 का 2 में, 8 into 2 पहले सवाल में लिख देता हूं सब कुछ, -5 into 3, माइनस ये कर दिया आपने 5 into 3, तो बच्चे 8 into 2 कितना होता है 16, 5 into 3 कितना होता है 15, 16 -15 ये बन गया 1 यूनिट, याद रखिएगा बच्चे कितना बन गया 1 यूनिट, ओके। 8 into 2 कर 16, 5 into 3 कर दिया 15, 16 -15 कितना आ गया 1 यूनिट आ गया, समझ आ गई बात, 1 यूनिट हो गया। अब जो काम आपने ऊपर वाले दो नंबर्स के साथ करा है वही काम आपको नीचे वाले दो नंबर्स के साथ भी करना है, दैट मींस कि नीचे वाले दो नंबर्स का भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, दैट मींस कि आप बोलेंगे सर 5 into 3, 5 into 3 माइनस 5 into 2, क्या कर दिया 5 into 2 कर दिया, सो 5 into 3 कितना हो गया 15, 5 into 2 कितना हो गया 10, 15 -10 कितना आ गया 5 आ गया। ऊपर क्या वैल्यू आ रही थी, ऊपर वैल्यू आ रही थी 1 यूनिट और नीचे क्या वैल्यू आ गई 5 आ गई, सो कहना इसे कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 है, 1 यूनिट की वैल्यू जैसी 5 मिल गई ना, 1 की वैल्यू 5 मिल गई, अब आपका आंसर सॉल्व हो गया बच्चे, 1 की वैल्यू 5 है, ये 5 था, 1 की 5 है, सो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 into 5 25, और 1 यूनिट इक्वल टू 5 है, सो 8 यूनिट कितना होगा 18 into 5 40, सो आपके नंबर्स आ गए 25 और 40, 25 और 40 का डिफरेंस पूछा है, सो आंसर जो है 15 होगा। बताओ अभी बात आपके आगे समझ में, राइट। आपने क्या करा 5:8 रेशो बन गया 2:3 का, 5:5 जितना ऐड करो चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप सेम नंबर ऐड करो चाहे आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो, या डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालो ऊपर वाले दो नंबर का और बाद वाले दो नंबर का, इसके बाद 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिलेगी, आप मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाले रेशो के साथ, सो आपको मिल जाएंगे ओरिजिनल नंबर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 18 आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई क्वेश्चन नंबर 18 और आखिरी सवाल लेते हैं इस क्लास का, टू नंबर्स आर इन द रेशो 7:4, 7:4 का रेशो है टू नंबर्स के बीच में, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 12, ईच नंबर को 12 से इंक्रीज कर दिया, रेशियो बिकम्स 3:2, रेशियो बन गया 3:2 का, आप बेसिक अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, 7x 4x + 12 + 12 रेशियो 3:4, मैं अल्ट्रा प्रो अप्रोच से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, आप सॉल्व करिएगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का रेशियो कितना है 7:4 का, से बन गया सर 7, ये बन गया कितना 4 बन गया,
सेकंड वाले का रेशो कितना है? 3:2 का। सो आपने बोल दिया सर ये 3 बन गया और ये 2 बन गया, रेशो आपने लिख दिए 7:4:3:2, रेशो लिख दिए। रेशो के बाद आपने बोला सर नंबर कितना इंक्रीज है? 12 है। सो ये भी 12 बन गया, ये भी 12 बन गया। जितना इंक्रीज या डिक्रीज है उसको लिख दो लाइन के नीचे। इसके बाद क्या बताया था याद करूं? क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। 7 × 2 = 14, 4 × 3 = 12। लिख देता हूं 7 × 2 - 4 × 3। सो आप बोलेंगे 14 - 12 कितना आ जाएगा? 2। ये बन गया है 2 इन इट। डिनोमिनेटर में वही कर दो बच्चे, इनका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट 3 × 12, 3 × 12 - 2 × 12, ये बन गया 2 × 12 बन गया। सो 36 - 24 कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। सो कैन आई से कि 2 यूनिट की वैल्यू 12 है? बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 12 आ गई। बच्चे अगर 2 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 1 की कितनी होगी? 6 होगी। 2 की 12 है, 2 की यूनिट की वैल्यू 12 है, सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पर 1 यूनिट = 6, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 6 आ गई है। आपसे पूछा है सम ऑफ नंबर, आप नंबर इंडिविजुअल निकाल सकते हो। फर्स्ट नंबर कितना है? 7x है, 7 है, सो 7 × 6, फर्स्ट नंबर बन गया 42। सेकंड नंबर कितना है? 4। सेकंड नंबर 4 है, 1 की वैल्यू 6 है, सो सेकंड नंबर बन जाएगा 4 × 6 = 24। आपको इन नंबर्स का सम पूछा है, 4 + 2 = 6, 4 + 2 = 6, आंसर बन जाएगा 66। 66 का है ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है। बताओ क्या ये बात आपको समझ आ गई है? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जीवन में आता है तो क्या आप कर पाएंगे? क्रॉस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या ज्यादा इजी है कंपैरेटिव टू जब हम आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेसिक एक्स अप्रोच के साथ? क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जिससे आपको लगता है जल्दी आंसर आता है। बेसिक अप्रोच भी सीखना जरूरी था, मैंने वो भी आपके साथ बता दिया। शॉर्ट में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? एक और मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, पर ठीक है दोनों से बेस्ट है ये वाली अप्रोच, बेस्ट है। आप इसे सॉल्व करिएगा, आपसे हर एक सवाल इसे सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर से होमवर्क लिए छोड़ता हूँ, बाकी जो भी क्लासेस होगी, जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉइन्स पर बेस्ड क्वेश्चन, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली नेक्स्ट वाली भी। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, राइट? और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जैसे बैटल की जगह अगर 1000 टैंगो 8000 प्लेन्स की जगह वही नंबर्स वाला बोल सकता हूँ कि 1000 इसमें से कम होगा, 8000 इसमें से कम, डिस्ट्रॉय का मतलब कम हो जाना। आप इसको सॉल्व करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप मुझे बताओगे नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर क्या होगा। और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से, आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे रेशो की। ठीक है, 19 प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर मुझे बताइएगा क्या होगा। 19 का सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये जो क्रॉस वाला मेथड है, या चाहो बेसिक से दोनों से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि साथ ही साथ आपकी 12th क्लास जो बोर्ड एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन भी साथ ही साथ हो जाए, फ्री स्टडी मटेरियल आपको चाहिए बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख पा रहे हो कमेंट में एक लिंक पिन होगा, राइट? सो वहां पर जाके ना आप डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत ये जो स्टडी मटेरियल है आपके ज्यादा बेनिफिशियल होगा। 12th क्लास के जो बोर्ड्स बोर्ड्स के साथ ही साथ सीयूटी के लिए भी 2023 के लिए आप प्रिपेयर करें, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको फायदा पहुंचेगा, राइट? सो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बच्चे अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, राइट, पेड बैचेस हैं हमारे, ओके, सीयूटी कॉमर्स कॉमर्स के लिए एक बैच है हमारा, ये आप देख सकते हैं। 23 के लिए पूरी टीम है, बहुत शानदार सी टीम है, 1 ईयर का कोर्स है, आप इस कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के साथ है तो, राइट? एक बहुत बेहतरीन सी टीम है हमारे साथ, साइंस स्ट्रीम की भी एक टीम है, ओके, तो यहाँ पर भी आपका कोर्स है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो ये वाले कोर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट? और साथ ही साथ अगर हैं आप ह्यूमैनिटीज से तो आप हमारे ये जबरदस्त कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसी के साथ बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। उम्मीद है जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है आप उसको सॉल्व करोगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी उत्साह उमंग के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने चैनल पे नए सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी जरूर करना है। और 3 बजे डेली आना है, बिकॉज 3 बजे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे LR की क्लास लगेगी या फिर क्वांट की क्लास लगेगी, दोनों में से कोई क्लास होनी होनी है। और साथ ही साथ 4 बजे तैयार रहना है आपको GK की करंट अफेयर की क्लास के साथ, सो मयूर सर आपके लिए लेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।